आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है। हमारे पास विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है m बराबर u नॉट बटा v नॉट 1 प्लस t बटा fe। दूसरा विकल्प है m बराबर v नॉट बटा u नॉट 1 जोड़ t बटा fe। तीसरा विकल्प है m बराबर v नॉट बटा u नॉट 1 प्लस fe बटा d। और चौथा विकल्प है m बराबर u नॉट बटा v नॉट 1 जोड़ fe बटा डी। ठीक है, तो अगर हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अगर हम किरण आरेख देखें किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा वस्तु, ये वस्तु रखी हुई है। ठीक है, यहाँ से ये किरणें जाती हैं और ठीक है, और इन दोनों का कटान बिंदु यहाँ पे होता है। तो ठीक है, तो जो हमारा पहला जो अभिदृश्यक द्वारा जो ये हमारा अभिदृश्यक लेंस है, ठीक है, तो अभिदृश्यक द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, और वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। ठीक है, और बड़ा प्रतिबिंब बनता है और अभिदृश्यक की दूसरी ओर बनता है, मतलब यहाँ पर अभिदृश्यक और इसकी दूसरी ओर बनता है। ठीक है, और नेत्रिका लेंस इस प्रतिबिंब से थोड़ा पीछे होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं। ठीक है, और यह पहला प्रतिबिंब जो होता है वह नेत्रिका लेंस के लिए क्या होता है, वस्तु का कार्य करता है। मतलब इससे जो प्रतिबिंब बनता है अभिदृश्यक द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वह नेत्रिका लेंस के लिए क्या हो जाती है, वस्तु का कार्य करती है। तो इस प्रतिबिंब को बनने वाली जो किरणें होती है अब नेत्रिका लेंस पे पड़ती है और यहाँ से यह जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वह हमारा यहाँ पर एच डबल डैश बनता है जो कि वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके लिए हम सूत्र देखें, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये वस्तु से जो अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस ये दूरी होती है इसे हम लोग यू नॉट लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा एफ नॉट हो जाएगा फोकस दूरी। ठीक है, और अभिदृश्यक लेंस से जो प्रतिबिंब यहाँ से बन रहा है तो इसे हम लोग वी नॉट से सूचित करते हैं। ठीक है, और यहाँ से अब ये क्या इस नेत्रिका लेंस के लिए ये वस्तु के लिए कार्य करती है तो इसे हम लोग यू नॉट से सूचित करते हैं। ठीक है, यू ई से, सॉरी, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु है तो ये यू ई से सूचित करते हैं दूरी को। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार होता है। तो अगर इसके लिए हम सूत्र लिखें तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए जो आवर्धन का सूत्र होता है वो होता है एम बराबर वी नॉट बटा यू नॉट इंटू एक जोर डी बटा एफ ई। ठीक है, यह हमारा क्या होता है, आवर्धन का सूत्र होता है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए, जहाँ पे डी बराबर क्या होता है, ये 25 सेंटीमीटर होता है जो हमारा अस्पष्ट न्यूनतम दूरी होता है स्पष्ट दृष्टि का। वी नॉट जो है यहाँ पे ये नेत्रिका अभिदृश्यक लेंस से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो है, और यू नॉट क्या है, अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी, और एफ ई क्या है, ये नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, तो इससे हम अगर देखें विकल्प, अगर हम देखें तो कौन सा विकल्प हमारा सही विकल्प होगा, तो हमारा बी एम बराबर वी नॉट बटा यू नॉट एक जो डी बटा एफ ई, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प होगा। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।